हेलो फ्रेंड्स, नेशनल मेगा माइंड शो के लिए मैंने एक चैलेंज किया है। वैसे तो मैंने तीन चैलेंज किए हैं, लेकिन एक मेरा चैलेंज यह है कि मैं 100 घंटे मेडिटेशन करूंगा नेशनल मेगा माइंड शो होने से पहले, यानी कि 25 अप्रैल से पहले 100 घंटा मेडिटेशन करने का मैंने चैलेंज लिया है। एप्स बनाने का भी चैलेंज लिया है, 120 टीओटी लाने का चैलेंज लिया है, 150 फिजिकल पार्टिसिपेंट लाने का चैलेंज लिया है और 1000 ऑनलाइन पार्टिसिपेंट लाने का चैलेंज लिया है। सब चैलेंज लिए मैंने, लेकिन ये वीडियो मैंने बनाया है अपने 100 घंटे के मेडिटेशन जो मैंने बोला है उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो आज मैं वैसे तो हर दिन 25 मिनट मेडिटेशन कर रहा हूँ, हर दिन 25 मिनट का मेडिटेशन मैं करता हूँ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है 100 घंटा पूरा करने के लिए। तो अब मैं खारघर से निकला हूँ, नवी मुंबई खारघर यहाँ से निकला हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ बदलापुर में। बदलापुर में एक बारबी डैम है और जंगल टाइप एरिया है, वहां पर मैं करीबन 5 घंटे आज मेडिटेशन करने वाला हूँ, 5 आवर्स। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लूंगा, लेकिन टोटल मैं 5 घंटा मेडिटेशन में आज बैठने वाला हूँ। और 5 घंटे का रिकॉर्डिंग तो आपको आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा फास्ट करके पूरा दिन भर का जो रिकॉर्डिंग रहेगा उसको फास्ट मूवमेंट में हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं निकला हूँ खारघर से, बीच बीच में थोड़ा सा आगे का ये खारघर का रोड है, ठीक है। और आपको आपको जो है मजा आएगा, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो। बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। ये मेरा चैलेंज है, क्या आपने कोई चैलेंज लिया है क्या? देखो, चैलेंज तो होना चाहिए लाइफ में, और चैलेंज जो है ना वो अपनी एनर्जी को बढ़ा देता है। अभी ये चैलेंज ही है। सो नाउ वी हैव अराइव्ड, हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पर, जहाँ पर ये बदलापुर है। बदलापुर का डैम है, बारबी डैम बोलते हैं इसको, बारबी डैम जस्ट मेरे सामने है। और बारबी डैम के एकदम सामने ये नदी है, पानी का फोर्स बहुत ज़्यादा है। और ये प्रकृति के साथ बैठकर जो है हम मेरा चैलेंज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। आई डोंट नो 5 घंटा मैं मेडिटेशन यहाँ पे कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैंने आधे घंटे का मैंने अलार्म लगाया है और आधा घंटा मैं इस जगह पर बैठकर कंटिन्यूस अभी मेडिटेशन करने वाला हूँ। मेरे चैलेंज की तरफ ये मेरा पहला कदम है। क्या मन में विचार आ रहे थे? तो मन में विचार तो आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन कॉन्शियस था एंटायर आधा घंटा मैं कॉन्शियस था। जनरली मेडिटेशन में मैं जब रहता हूँ तो प्रकृति की अपनी एक आवाज़ है, साउंड है, उस प्रकृति के साउंड पर मैं अपने ध्यान को कंसंट्रेट करता हूँ। और उसके बीच में विचार तो आते रहते हैं। फिलहाल तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ है और वो मेरा चैलेंज है कि 100 घंटे मेडिटेशन के पूरे करने। देखते हैं आज के दिन और कितना देर मेडिटेशन में कर सकता हूँ। थोड़ा सा
उस नदी को थोड़ा सा महसूस करेंगे और गहराई से महसूस करेंगे और फिर लोकेशन चेंज करते हैं। मैं उधर बैठ के मेडिटेशन कर रहा था, वहाँ पे हम लोग ने थोड़ा नाश्ता वाश्ता भी किया, लेकिन मैं काफ़ी देर से इधर देख रहा था, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था कि खाना पीना बना रहे यहाँ पर बैठ के। मैं काफ़ी देर से सोच रहा था एक्चुअली कि मैं यहाँ पे आऊँ, थोड़ा सा इनके साथ में कुछ खाऊँ, थोड़ा सा ऐसा मैं सोच रहा था लेकिन फिर मैंने यहाँ पे आके इंटरेक्ट किया तो मुझे ऐसा पता चला कि एक ही फैमिली के इतने सारे लोग आए। सो फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली से मैंने सोचा बातचीत करूं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। सो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था मैं आऊं, थोड़ा आप लोगों के साथ में थोड़ा टेस्ट करूं आपका खाना, क्या बना रहे हो आप लोग। तो आप लोग कहाँ से हो? हम अमरनाथ से। अमरनाथ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज पाटिल। पाटिल साहब, ये आपकी फैमिली है पूरी? हाँ, ये हेड मेरा छोटा भाई है। ओके। छोटे भाई का ये बड़ी लड़की है। ओके। वो उसकी वाइफ। ओके। और ये छोटी लड़की। अच्छा। और मेरी वो बड़ी लड़की। अच्छा। ये बड़ा लड़का। अच्छा। नंबर लड़की। हम्म। वो बहू। अच्छा। वो दामाद, बड़ा दो नंबर वाला। अच्छा। वो पोता है, पोती, वो पोता। ये मेरी वाइफ। ये अच्छा बना रही हो ये भी आज जवारी की रोटी बना रहे हो या बाजरी की? जवारी की। जवारी की रोटी बन रही है। साल में एक बार आप लोग सब एक जगह पे आए हो या मिलते रहते हो? मिलते हो, हम हमेशा। हाँ। ये बदलापुर में रहता है। बदलापुर में रहता है। हाँ, इसकी फैमिली बदलापुर है, छोटा भाई सबसे। चलिए, लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाँ। कि विद फैमिली, आजकल क्या फैमिली सब टूट गई है ना। हाँ। ज्यादा लोग मिलते नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप लोग सब मिलके एक जगह पे आए हो। कितने साल में ऐसा पिकनिक मनाते हो आप लोग? साल में भी वैसे तो हर एक साल में बनाते हैं, लेकिन घर पे बनाते हैं बर्थडे वगैरह। हाँ, ये पहला टाइम है कि हम पूरा बारबेक्यू के आगे आके जंगल में खाना खा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो सुबह करीबन आई थिंक 12:30 बजे हम लोग आए यहाँ पर और अभी 4 बज चुके हैं। सो पहला राउंड हमने किया जो था, पहला राउंड जो हमने किया था आधे घंटे का किया, फिर दूसरा राउंड हमने करीबन 20 मिनट का किया मेडिटेशन का, और अभी ये 4 बज चुके हैं और तीसरा राउंड जो है वो हम आधे घंटे का करने वाले हैं, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट एक दिन में आज हम कर पाएंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी, 5 घंटे का टारगेट लेके आए थे बट 5 घंटा तो नहीं हुआ, लेकिन ठीक है, अगली बार करेंगे। बट वी फाउंड वेरी गुड प्लेस, ये प्लेस बहुत अच्छी है। देखो यहाँ पे बारवी डैम यहाँ पे दिख रहा है, बारवी डैम यहाँ पे दिख रहा है, और ये घर है यहाँ पे, झोपड़ा है, झोपड़ा टाइप है यहाँ पे, और यहाँ पे इतनी सारी बकरियाँ हैं। बहुत सुंदर नज़ारा है, ये प्यारा नज़ारा है, एकदम गांव जैसा है, बॉम्बे से ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 1.5-2 घंटे की दूरी पर ये जगह है। तो वेरी नाइस प्लेस, वी इन्जॉयड, नदी में नहाया, अभी भी मैं गिल्ला हूँ, और प्रकृति में आके मेडिटेशन करने का आनंद कुछ और ही है।
was really a great day. I'm telling you, it was really a great day. I really enjoyed a lot. और प्रकृति से जुड़ने के लिए मेडिटेशन से बढ़िया चीज और क्या हो सकती है, आप मुझे बताइए। 5 घंटे का प्लान था हमारा, टू बी वेरी फ्रैंक मैं 1.5 घंटा मेडिटेशन किया, मैंने आधा 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 घंटा करके 3 बार मेडिटेशन किया। इट वॉज बट इट वॉज रियली अ यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था ये, और बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। एंड आई एम टेलिंग यू के एक ऐसी जगह मिली हमको जहाँ पे हम बार बार आ सकते हैं, इन कम अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों से मोटिवेशन मिलता है मेरे को। वेस्टर्न मेगा माइंड शो में मैंने जो चैलेंज दिया है, 100 घंटे का चैलेंज दिया है, 100 घंटा करूँगा, नो डाउट अबाउट, आई विल डू इट। 100 घंटा मैं करूंगा, जो भी मैंने चैलेंजेस लिए हैं परिश्रम पूरा होगा उसके लिए, चैलेंजेस जो मैंने लिए हैं उसके लिए परिश्रम पूरा होगा। सो आप भी कोई चैलेंज लीजिए, चैलेंज पूरा कीजिए, नेशनल मेगा माइंड शो में आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है ना। नेशनल मेगा माइंड शो में आने के लिए एक डेयरिंग चाहिए, नेशनल मेगा माइंड शो में जो लोग आएंगे वो डेयरिंग बाज लोगों में, डेयरिंग बाज और बड़ी सोच के। देखो बड़ा करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, तो बड़ी सोच और दूसरी है डेयरिंग। सोचते तो सोच भी बहुत लोग लेते हैं, लेकिन करने के लिए जो डेयरिंग चाहिए वो हर किसी में नहीं होती है। सो चैलेंज लो, चैलेंज पूरा करो और डेयरिंग करो नेशनल मेगा माइंड शो में आने की, ठीक है ना। हैदराबाद में होने वाला है, हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होने वाला है, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 जगह के हिसाब से नंबर 1, इट्स एलिस इन वंडरलैंड, जगह ही बहुत जबरदस्त है। और इंटरनेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका से एक स्पीकर आ रहा है, दुबई से एक स्पीकर आ रहा है, भारत देश के 6 बड़े स्पीकर है, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट ऑफिसर है, एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस एजेंट है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी का सीईओ आ रहा है, यंग सीईओ, कैसे उसने कम समय में सीईओ लेवल तक पहुंच गया। एक मैजिशियन हमने बुलाया है, इंटरनेशनल लेवल का मैजिशियन हमने बुलाया है, जो कि मोटिवेशनल मैजिशियन है, कैसे मैजिक का उपयोग करके, इल्यूजन का उपयोग करके हमको मोटिवेट करेगा, माइंड ब्लोइंग। ऐसा व्यक्ति मैंने, ऐसा मैजिशियन मैंने आज तक नहीं देखा। सो दिल बनाओ, दिल बनाओ, और नेशनल मेगा माइंड शो में आपसे मुलाकात होगी।